नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा डिसेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे, देखो एसएससी सीजीएल का जो इतना दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था उसके रिगार्डिंग एक जो है आपका पीआईवी से एक नोटिस जारी हुआ है, तो वहाँ पे चलो हम लोग देख लेते क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया है। पूरा जो है एग्जामिनेशन फिर से आपका कैंसिल होगा या फिर से री एग्ज़ाम होगा तो क्या है नहीं है, क्योंकि सभी जो बच्चे एग्ज़ाम दे के रखे उनको अभी वही हो रहा है जो क्या फिर से मुझे हम लोग को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्या फिर से प्रिपरेशन करें, या हम लोग क्या करें, तो उसी को क्लैरिफाई करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ज़रूर देख लीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना, और जो भी नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना। तो गाइस चलो गाइस, ये अगर आप देखेंगे तो देखो ये लीकेज ऑफ एग्जामिनेशन पेपर उसके रिगार्डिंग एक पोस्ट हुआ है 28 मार्च को, ठीक है, दोपहर 3:26 में पीआईबी दिल्ली में। यहाँ पे बताया गया जो भी पेपर लीक एसोसिएट है वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम का उसमें मेंशन किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ इंसिडेंट्स हुआ है जहाँ पे रिपोर्टेड लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर इन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन व्हिच हैव अटेंडेड बाय कैंसिलेशन ऑफ सेट एग्जामिनेशन एंड रिकंडक्ट देयर ऑफ, तो जहाँ पे है उसका रिकंडक्ट हुआ है। ये भी बताया जा रहा है ऐसा इन फ्यूचर में ना हो, इसीलिए जो रिकमेंड एजेंसीज है वो लोग ने बहुत स्टेप्स लिया, जैसे पहला में दिया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड किया गया है और आपको ऐसा कुछ अवॉइड नहीं, तो उसीलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स लिया गया है। डिप्लॉयमेंट ऑफ लो पावर जैमर्स लगाया गया है और आपका सीसीटीवी कैमराज भी इंस्टॉल किए गए हैं। और इसमें जो है बात जो चल रहा था, देयर वॉज नो लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर इन द कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2017, ठीक है। देखो ये बोलना क्या चाहता है, अगर लीकेज आप सोचोगे कभी एग्जाम हो उससे पहले आपका अगर क्वेश्चन पेपर आ जाए, ठीक है, जैसे हम लोग कुछ दिन में ही सीबीएसई का भी देखे जो सीबीएसई में क्या हुआ था, लीक हुआ था। लीक मतलब क्या है, एग्जाम देने से पहले आपका क्वेश्चन सोशल मीडिया में आ जाए या किसी के पास चला जाए तो वो लीक कहलाता है। यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे चीटिंग हुआ है, तो यहाँ पे चीटिंग मतलब आपका जो कोई भी क्वेश्चंस पेपर वो उसका जो भी सोशल मीडिया में जो भी पिक्चर सर्कुलेट हो रहे थे वो एग्ज़ाम चल रहा था उसमें जो है लिया गया, तो उनका यही कहना है क्या ये लीक नहीं है, ये चीटिंग है। इन व्यू ऑफ द सम स्पॉटिंग इंसिडेंट वाले चीटिंग, देखिए यहाँ पे चीटिंग की बात बताई गई है। सम ऑफ द कैंडिडेट एट फ्यू वेन्यूज एंड सब्सिक्वेंट एजिटेशन बाय द सेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एसएससी ऑर्डर्ड किया है इसका सीबीआई इंक्वायरी के लिए। सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी केस भी दायर कर दिया 8 मार्च को। तो इसीलिए बताया जा रहा है देयर द एग्जामिनेशन हैज़ नॉट बीन कैंसिल, द सेड एग्जामिनेशन हैज़ नॉट बीन कैंसिल, कैंसिल नहीं हुआ है, देयर फॉर क्वेश्चन ऑफ रिकंडक्ट डज नॉट अराइज गाइज। तो ये अच्छा से समझ लो, ये कैंसिल नहीं हुआ है, मतलब जो 20 का एग्जाम हुआ था वो रिकंडक्ट हो चुका है, बाकी और कोई भी एग्ज़ाम जो है कैंसिल नहीं होगा, रिकंडक्ट नहीं होगा, ये क्लियरली बताया गया है इन रिप्लाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन रिप्लाई टू द क्वेश्चन इन लोकसभा, ठीक है। तो ये अच्छा से समझ लो, कोई रिकंडक्ट होने वाला नहीं है। तो आपने जो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है आप तैयारी करो आप डिस्क्रिप्टिव की गाइस, क्योंकि एक क्लियर कट बोल दिया गया है आप कोई रिकंडक्ट नहीं होगा, मतलब अभी कुछ दिनों में ही जो है इसका आंसर कीज जो है आउट हो जाएगा गाइस। तो आप प्रिपरेशन करो डिस्क्रिप्टिव की, क्योंकि अभी इसका भी डिस्क्रिप्टिव है, उसके बाद आपका सीएचएसएल भी डिस्क्रिप्टिव है, तो हम लोग पूरे जो है अभी लग जाइए, क्योंकि और तो कुछ इस रिगार्डिंग, क्योंकि जो भी करना है अभी सीबीआई जो इंक्वायरी कर रहा है वो आपका करेगा क्या, जो चीटिंग हुआ है आप अच्छे से समझ लो, कोई पेपर कैंसिल नहीं होगा, मतलब आपका जो भी सीबीआई इंक्वायरी चलेगा वो रिगार्डिंग चीटिंग चलेगा, मतलब जो भी कैंडिडेट्स अगर इन्वॉल्व है तो उनको लिए स्टेप्स दिया जाएगा, तो कोई कुछ नहीं होगा गाइस, ठीक है। तो इसीलिए आप प्रिपरेशन करो डिस्क्रिप्टिव की। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, फिर मिलते हैं नया वीडियो।